अफसोसनाक खबर है वहां से शेयर कई पा। दरिया खान मरीवे जो गोठ मुराद खोखर वट हथियारबंदन की फायरिंग में बजणा मारजी व्या। बुधाई हलो हथियारबंदन की फायरिंग में इमाम बख्श मरी एजाज मरी मारजी व्या। सदन लाश अस्पताल मुंतकिल किया। दरिया खान मरी में अवा के खबर डी पे गोठ मुराद खोखर में वट हथियारबंदन की फायरिंग में बजणा मारजी व्या। हथियारबंदन की फायरिंग में इमाम बख्श मरी एजाज मरी मारजी व्या। लाश अस्पताल मुंतकिल किया व्या। दरिया खान मरी वेझो गोठ मुराद खोखर वट हथियारबंदन की फायरिंग में बजणा मारज व्या। दरिया खान मरी वेझो गोठ मुराद खोखर वट हथियारबंदन की फायरिंग में बजणा मारजी व्या। तफसील मालूम कंदे दरिया खान मरी में आवाज़ के रिपोर्टर वरियल सिंधी का वरियल वाके के हवाले से कड़ा तफसील आगाह कजो। जी बिल्कुल गजाला, दरिया खान मरी भरसा गोठ मुराद खोखर वटे लिंक रोड से मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन दरिया खान मरी का गोठ हाजी मोटर मरी वींदड़ मोटरसाइकिल सवार मथा फायरिंग कर दिनी, जैमें बजणा पहुंची वया। फायरिंग में गोलियों लगन सबब इमाम बख्श मरी एजाज मरी सख्त जख्मी थी पाया। जख्मी के फौरी तौर से दरिया खान मरी अस्पताल आंदो वो, जिता गणती जोगी हालत हो जन सबब जख्मी के नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल किया वो, तो उत दम धनी हवाले कर छो। जख्मी के फोत थे वाली खबर मकसूल के घर में पवन से संदस घर में कोराम मची। जी अवा के बुधाई होला तो ताड़ में बैठल मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन गोठ हाजी मोटर मरी वींदड़ इमाम बख्श मरी एजाज मरी से हमलो कर मुसाफिर बस में बनावरती हथियारबंदन बस की हारे नौजवान मथा फायरिंग कर फरार थी वह। जख्मी के नवाबशाह अस्पताल में वो तो जख्म जहा सूल असंदे फोत थी वह। जी ठीक है वरियल सिंधी, बड़ी मेहरबानी अवान जी तफसील का।